हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी वेदा। कैसे हैं आप लोग? कमेंट किया करें और सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि क्रैश कोर्स का डे फोर है। कल मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने जैसा कहा था कि सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि रूल्स पे रूल्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उन्हें प्रैक्टिस ना कर पाएँ, उन्हें अप्लाई ना कर पाएँ। और एंड में सिर्फ आपको एक बार कराने का ये मतलब है कि बहुत कम क्वेश्चंस आपको करा पाना। तो मैंने अभी 15 रूल आपको पिछली 3 क्लासेस में करा दिए हैं। अब मैंने एक शीट दी थी, अब मैं उसको डिस्कस करूँगी, फिर मैं और रूल्स आगे कराऊँगी और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊँगी। तो सबसे पहले अब हम ये शीट डिस्कस कर लेते हैं। आज आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पीएम मोदी अलोंग हिज कैबिनेट मेंबर्स आर कमिंग टुमारो। ठीक है, पीएम मोदी अपने कैबिनेट के साथ कल आ रहे हैं, आर कमिंग टुमारो। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये रूल एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये रूल बताया था। तो अब इनके साथ हमेशा क्या लगता है, जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होती है, यानी कि इसके आगे वाली। तो मोदी सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ कैबिनेट मेंबर्स के साथ को देख के नहीं लगाना, इज लगाना है। तो आर की जगह क्या होगा? इज, क्योंकि अलोंग लगा है और इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है, तो यहाँ इज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। मैनी एन एम्प्लॉय आर सपोज टू बी ट्रांसफर टू सम अदर कंपनी बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब देखिए, मैनी एन वाला केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ए या एन लग जाए तो उसके बाद सिंगुलर, तो यहाँ एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, तो यहाँ आर की जगह क्या होगा? इज। तो मैनी एन एम्प्लॉय इज सपोज टू बी ट्रांसफर, तो यहाँ इज होगा, तब ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए या एन बाद में लगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ये रूल बताया था। अगले पे आते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन प्रोजेक्ट दिस ईयर। देखिए, ईच के बाद ऑफ लगा है, ईच ऑफ के साथ मैंने क्या कहा था, अगर ईच ऑफ लगा हो तो उसके बाद नाउन क्या है? प्लूरल, तो यहाँ स्टूडेंट्स है, एकदम सही। उसके बाद जो वर्ब लगती है वो लगती है सिंगुलर, तो इन द क्लास हैज़, तो ये हैज़ यहाँ सिंगुलर है, ये भी सही। उसके बाद मैंने कहा था सिंगुलर प्रोनाउन भी लगता है, हैज़ टू टाइप देयर, देखो यहाँ प्लूरल लगा है, ये गलत है, यहाँ पे देयर नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि अगर कोई हमने मैंने कहा था कोई लिंग नहीं बताया तो क्या लगाएंगे? पुल्लिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर हिज लग गया, तो यहाँ पर देयर की जगह हिज होगा, अब ये करेक्ट है। अगले पे आते हैं। मोर देन वन कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ IAS। मोर देन वन, अब ये मोर देन वन वाला केस है, वन बाद में लगा, ए बाद में लगा, तो यहाँ सिंगुलर है कैंडिडेट, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ जैसी इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी तो हैव की जगह क्या लगेगा? हैज़ लगेगी, क्योंकि कैंडिडेट एक की बात हुई है, मोर देन वन कैंडिडेट, ठीक है, तो यहाँ हैज़ लगेगा। आगे देखते हैं। अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट ग्राउंड वॉज सीन टू टाइगर्स नियर द फॉरेस्ट। अ फ्यू किलोमीटर्स, देखो कुछ किलोमीटर्स के दूरी पर, बियॉन्ड दैट ग्राउंड, ग्राउंड से दूरी पर, वॉज सीन टू टाइगर्स, अब किसकी बात हुई है? दो टाइगर्स की बात हुई है, अब दो टाइगर्स की बात हुई है तो या वॉज सीन या वर सीन होगा, वर सीन होगा, क्योंकि दो टाइगर्स की बात हुई है, इसलिए अगर वन टाइगर होता तो वॉज सीन होता, टू टाइगर्स की बात हुई इसलिए बहुवचन लगा, वर सीन हुआ, अब ये सही हो गया सेंटेंस। आई हैड टू फ्लैट्स बट शॉकिंगली नाइदर ऑफ देम आर वेल फर्निश्ड। मेरे पास दो मकान थे बट शॉकिंगली उनमें से कोई भी वेल फर्निश्ड नहीं है, ना ढंग से वाइट वॉश है, ना कुछ है उनमें। तो अब यहाँ पर क्या है, बट शॉकिंगली नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ के साथ क्या लगा? प्लूरल, देम, बिल्कुल सही, नीदर ऑफ देम, लेकिन प्लूरल के बाद वर्ब क्या लगती है? सिंगुलर, तो आर की जगह क्या होगा? इज होगा, ये रूल बताया था, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इन गंगा दैट यू कैन सी आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स बट बिकॉज ऑफ वाटर फ्रॉम अदर रिवर्स। देखो मोस्ट ऑफ, अब मोस्ट ऑफ के साथ मैंने क्या केस बताया था आपको, मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है अगर नाउन काउंटेबल है, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। अब वाटर क्या है यहाँ? अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इन गंगा दैट यू कैन सी आर, ये आर क्यों लगेगा यहाँ पर? ये सिंगुलर लगेगा ना, इज, क्योंकि वाटर है अनकाउंटेबल, तो इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। अब देखो नॉट ओनली बिकॉज एक साथ लगा है, और फिर बट
बिकॉज ऑफ, ये भी एक साथ लगा है, बट वॉटर बिकॉज ऑफ होता तो गलती हो जाती. मैंने कहा था ना ये वर्ड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ बट बिकॉज ऑफ एक साथ यूज होते हैं, इनके बीच में कुछ नहीं लगाते, तो ये चीज़ यहाँ ठीक है. देखो दोस्तों, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का एरर ही नहीं ढूंढना, आपको पूरे सेंटेंस में एक एक शब्द को देख के खंगाल देना है कि तू एरर तो नहीं, तू एरर तो नहीं, ऐसे. तो इसलिए एक एक चीज़ बता रही हूँ, इस तरह से देखना सीखिए. नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या था, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन आर दैट देयर आर अ लाउड नॉइस एंड स्मोक. जो हम गैदर कर सकते हैं बच्चों से क्या, कि बहुत शोर है और धुआं है. तो अब देखो ऑल का केस है ये, ऑल, मैंने ऑल वाला बताया था ना, ऑल के साथ अगर किसी चीज के बारे में बात हो तो सिंगुलर, ऑल के साथ किसी पर्सन के बारे में बात हो तो प्लूरल. तो ऑल वन कैन गैदर, कोई क्या गैदर कर सकता है, ये क्या है, गैदर क्या कर सकता है, मतलब क्या मिल सकता है लोगों को, मिलने का मतलब क्या, क्या चीज, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या आपका क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या चीज वो जान सकते हैं. तो ऑल वन कैन गैदर, तो ये चीज हो गई ना यहाँ पे, जानना, इंफॉर्मेशन, ये किसी पर्सन की बात तो नहीं हुई, तो यहाँ सिंगुलर लगेगा. ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन, तो यहाँ आर नहीं होगा, इज होगा. अगर ऑल के साथ कुछ बच्चे की बात होती, बच्चा की बात, ऑल चिल्ड्रन, तो यहाँ आर हो जाता, लेकिन ऑल वन कैन गैदर से इंफॉर्मेशन हो गई, मतलब समझे इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड. नाइदर ऑफ, ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइव एक्यूज्ड. आप नाइदर ऑफ समझ के फाइव एक्यूज समझ ले कि हाँ ये है, इसके बाद प्लूरल है, नहीं, ये फाइव दिखते ही एरर दिखना चाहिए. अरे फाइव की बात है, नीदर तो लग ही नहीं सकता, नन होगा, क्योंकि नीदर सिर्फ दो के लिए लगता है. अगले पे आते हैं, देयर अपियर्स अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोजेक्ट फॉर्मिंग अ डेड लॉक. देखो अ नंबर ऑफ, मैंने अ नंबर ऑफ में आपको क्या रूल बताया था, अ नंबर ऑफ में बताया था प्लूरल लगता है आपका नाउन और प्लूरल ही आपका वर्ब. तो अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो प्लूरल नाउन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अ नंबर ऑफ माने कितनी कितनी लार्ज संख्या में, कितनी संख्या में, एक तरह से बड़ी अमाउंट में. तो अब उसके साथ प्रॉब्लम्स के साथ वर्ब क्या जाएगी आपकी, प्लूरल, पर यहाँ क्या है, सिंगुलर, अपीयर के साथ एस लगा दिया, ये एस हटाओ, तो देयर अपीयर अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोजेक्ट. अब ये सही हो गया. अगले पे आते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस विलेज हैव कम ऑन स्ट्रीट टू सी द स्नेक शो. अब देखो एवरी या ईच किसी भी नाउन के आगे, एक या दोनों के आगे लग जाए, तो वो वाला रूल है ये. तो अब उसके साथ क्या होता है, मैंने क्या कहा था, वर्ब क्या होती है आपके, सिंगुलर, तो यहाँ हैव तो प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, हैज आएगा. अब ये सही हो गया. ही कंप्लेन टू द सेल्समैन, नाइदर द साइज नॉर द कलर नॉर द ग्लव्स वर राइट. उसने सेल्समैन से कंपेयर किया, कंप्लेन करी कि ना साइज इसका मिल रहा है, ना कलर मिल रहा है, ना ही दस्ताने सही हैं, ग्लव्स माने दस्ताने सही हैं. तो देखो आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ तीन चीज़ों की बात हुई है, साइज, कलर, ग्लव्स, नहीं, ये तीन चीज़ों की नहीं, ये अलग अलग चीज़ों की बात हुई है. और नीदर यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई लोगों की बात नहीं हुई, ये एक ही चीज़ की तीन बातें हैं, तीन विशेषता बताई हैं. तो यहाँ पर नीदर पहली बात बिल्कुल सही है. अब आगे देखते हैं, नीदर द साइज नॉर द कलर नॉर द ग्लव्स. अब वर होगा क्या, नहीं होगा, वर नहीं होगा, वॉज होगा. क्यों, मैंने क्या कहा था, इधर नीदर में जो आपकी वर्ब लगती है वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगती है. तो वर के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, ग्लव्स, और ग्लव्स क्या होते हैं, दस्ताने होते हैं. ये एस लगने का मतलब ये प्लूरल नहीं है, हम ग्लव नहीं बोलते, ग्लव कुछ नहीं होता, ग्लव्स ही होता है. तो ग्लव्स क्या है आपका, अगर दो 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 दस्ताने होते तो पता है क्या बोलते हैं उसे, टू पेयर ऑफ ग्लव्स, और अगर एक है तो ग्लव्स. तो ग्लव्स एकदम सही है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वॉज लगा. ये अ पेयर ऑफ ग्लव्स मैं आपको नाउन में बताऊंगी कैसे एक को दो तीन बहुवचन ऐसे बनाते हैं, ये नाउन के लिए बचा के रखा है. ठीक है फ्रेंड्स, अगला अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज टू लीव बिफोर एग्जाम इज ओवर अलाउ हिम टू डू सो विदाउट अ सेकेंड थॉट. कोई अगर एग्जाम छोड़ के जाना चाहता है तो उसे जाने दो बिना सोचे, ये कहना चाहता है. अब देखो वन ऑफ लगा है, द कैंडिडेट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही. अब प्लूरल के बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर, क्योंकि ये वन ऑफ वाला केस है. तो यहाँ चूज नहीं होगा, चूजेज होगा, तब ये सिंगुलर बनेगा, इसलिए चूजेज होके करेक्ट हुआ ये.
नेक्स्ट पे आते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. मोर देन वन वाला केस है, वन लगते ही स्टूडेंट यहाँ पर आया, ठीक है, और स्टूडेंट एक है तो यहाँ पर हैव नहीं, हैज़ होगा क्योंकि सिंगुलर की बात हुई है. तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है फ्रेंड्स, अगले पे आते हैं, ईदर दे और ही इज़ हैप्पी. देखो ईदर वाले केस में मैंने क्या कहा था, ईदर दे और, अब और लगाए यहाँ पर, दो लोगों की बात हुई है तो ये पहली बात तो इधर सही है, तीन की बात होती तो वन ऑफ करते. अब दे और ही, और के बाद मेन सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने क्या कहा था नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो और के बाद क्या है ही, तो ही के साथ आर नहीं आता, दे के साथ आर आता है, ही के लिए इज आता है, इसलिए यहाँ आर की जगह क्या होगा, इज होगा. तो अब ये सही हो गया. अगले पे आते हैं, मैनी अ वुमेन अटेंडिंग द मीटिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. मैनी अ लगा है, अ लगते ही इसके बाद वाला नाउन क्या आना चाहिए, सिंगुलर, कहा था सिंगुलर, लेकिन वुमेन क्या होता है, देखो वुमेन सिंगुलर होता है और अगर ई आ जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, जैसे मैन सिंगुलर होता है और एम ई एन प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल है, यहाँ पर हमें सिंगुलर करना है. ये छोटी 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 बातों से ये एरर गलत हो जाती है, ये छोटी छोटी ए और ई को देखने से, तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर. अगला, द टीचर और द स्टूडेंट्स हैज़ कम. अब और के बाद मैंने कहा था और के बाद वाला मेन सब्जेक्ट, यहाँ स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं तो हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, प्लूरल आएगा यहाँ पर, तो ये ठीक तब हो जाएगा. नेक्स्ट 18, द चिल्ड्रन ईच हैज़ अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम. अब देखो अगर सब्जेक्ट के बाद ईच लगे, मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट के बाद ईच लगे तो क्या होता है, ये वो वाला केस है. तो अगर सब्जेक्ट के बाद ईच लगे तो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, तो चिल्ड्रन ईच यहाँ हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, मैंने कहा था ना कि ईच के पहले हमेशा प्लूरल ही चीज़ होगी, तो ये द चिल्ड्रन ईच के बाद हैव होगा, तो ये हैव होगा यहाँ पर, हैव अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम, ये फिर ठीक हो जाएगा. देखो अगला, ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट कमोडिटीज. देखो अब ब्रेड एंड बटर सोच देख के सोचोगे ये तो एक चीज़ आती है, मैम ने कहा था इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन मैंने एक और चीज़ कही थी, सिंगुलर कब लगेगी, जब ये मिलकर एक बारे में बात करें, एक चीज़ दर्शाएं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट में मिला के खाते हैं इसलिए एक हो गई, पर यहाँ क्या कह रहा है, दो डिफरेंट कमोडिटी हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, अब यहाँ तो खुद ही इनको अलग कर दिया, तो ये टू आर, इसलिए यहाँ पर प्लूरल ही लगेगा, सिंगुलर नहीं होगा. अगर यहाँ कहता आर अ गुड ब्रेकफास्ट तो यहाँ आर की जगह इज होता, पर यहाँ पे अलग चीजों की बात करिए इसलिए ये प्लूरल वर्ब होगा, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है. आखिरी, बोथ राम एंड सोहन विल नॉट प्ले क्रिकेट. देखो बोथ राम और सोहन क्रिकेट नहीं खेलेंगे. देखो मैंने क्या कहा था, बोथ के साथ नॉट नहीं लगता, अगर बोथ के साथ नॉट है तो उसको हम नाइदर से रिप्लेस करते हैं, ये मैंने रूल में बताया था. तो यहाँ पर क्या आएगा, नीदर राम नॉर नॉर सोहन विल प्ले द क्रिकेट, तो यहाँ पर नीदर नॉर आ जाएगा. ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट ओवर हो गया. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपके कैसे कैसे स्कोर्स रहे वो कमेंट करें, आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लग रही है, थोड़ा सा लाइक करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखा करें प्लीज़ दोस्तों, बिना डाउनलोड करे देखें. छोटी वीडियो बनाती हूँ, 30 मिनट से कम कम में बनाती हूँ, साथ साथ देख लिया करें. तो ठीक है फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा डे 4 के रूल्स का. अब रूल मैंने 16 रूल तक करा दिए थे, रूल नंबर 17. अब कुछ शब्द हैं, इन इफ आफ्टर, यानी कि इन शब्दों के बाद कौन कौन से शब्द, वन थर्ड ऑफ, अगर वन लगा है तो थर्ड होगा, इसके साथ एस नहीं होगा, ध्यान दीजिए. टू थर्ड्स ऑफ, टू लगा है तो यहाँ एस लग जाएगा. ऐसी अगर मैं कहूँ थ्री फोर्थ्स ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ नहीं होगा, एस लगेगा, सिर्फ वन के साथ ही यहाँ एस नहीं लगता. ठीक है, और कौन से, रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, 10% ऑफ, 20%, यानी कि परसेंट वर्ड भी जहाँ लग जाए, क्वार्टर वर्ड लग जाए, थर्ड, टू थर्ड, वन थर्ड, तो ऐसे ऐसे शब्द जो एक क्वांटिटी को दर्शा रहे हैं, ऐसे शब्दों के साथ जो नाउन है वो सिंगुलर है और, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी. तो नाउन पे डिपेंड करेगी इनकी वर्ब. जैसे कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा क्लियर होगा आपको. टू थर्ड्स of the diamond was used in this ring. देखो टू थर्ड्स ऑफ द डायमंड, अब यहाँ टू है इसलिए थर्ड के साथ एस लगा, ये ठीक है. ऑफ द डायमंड, डायमंड
एक चीज है, एक सिंगुलर चीज है डायमंड, तो अब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या लगा? वॉज, ये एकदम सही है. लेकिन अगर 2/3 ऑफ द नेबर्स, देखो नेबर्स क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर वर्ब क्या लगेगी आपकी? प्लूरल लगेगी, इसलिए आर हो गया, यहाँ पर इज नहीं होगा. यहाँ सिंगुलर डायमंड था तो वॉज, यहाँ प्लूरल नेबर्स है तो आर. अपोजिंग द डायरेक्ट डिसीजन ऑफ द कमिटी, अब ये सही है. और एग्जाम्पल देखते हैं. 1/4 ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन द ऑपरेशन. देखो यहाँ पे पहली बात तो ये एस हटेगा, 1/4 ऑफ द मनी हैव बीन स्पेंट ऑन द ऑपरेशन. तो देखो हैव बीन की जगह क्या होगा यहाँ पर? हैज़ बीन होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या लगेगा आपका? हैव लगेगा. तो 1/4 ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, हैज़ बीन स्पेंट ऑन द ऑपरेशन. नेक्स्ट पे आते हैं. द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैज़ बीन सॉल्व. देखो द रेस्ट भी मैंने बताया था ऊपर, ये द रेस्ट भी हो सकता है. ये देखिए यहाँ पर अ क्वार्टर ऑफ रेस्ट ऑफ, ये रेस्ट ऑफ यहाँ पर है, तो इसी से एग्जाम्पल ये लिया है द रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, हैव बीन सॉल्व होगा, हैज़ बीन नहीं होगा, तो यहाँ पर हैव हुआ, ये करेक्ट है. इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 क्या कहता है? अगर नो के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. जैसे कैसे? नो प्रॉब्लम इज इनसॉल्वेबल. कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्व करी हुई, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जा सके, इसका ये मतलब है इनसॉल्वेबल का. इनसॉल्वेबल आता भी है वन वर्ड में, तो ध्यान दें. अब नो लगा दिया इसके आगे और प्रॉब्लम है, सिंगुलर नाउन है, प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इज लगा. और अगर नो के साथ प्लूरल नाउन होता, ये पी एन मतलब प्लूरल नाउन, एस एन मतलब सिंगुलर नाउन, एस वी मतलब सिंगुलर वर्ब, पी वी मतलब प्लूरल वर्ब, तो नो के साथ अगर प्लूरल नाउन लगेगा तो प्लूरल वर्ब होगा. जैसे नो टीचर्स, अब एस लग गया प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव अराइव्ड येट, ठीक है ना. अगर यहाँ मैं कहती नो प्रॉब्लम्स तो आर इनसॉल्वेबल हो जाता, तो नो का केस ऐसा ही है. नो देखो, नो नथिंग बट, नथिंग एक्सेप्ट, नन बट, ये नो नो जब भी लग जाए ना तो कुछ नया ही होता है, तो इनको ध्यान रखें इन केसेस को. अगले केस पर आते हैं, द मेजॉरिटी वाला केस जो होता है, द मेजॉरिटी जहाँ दिख जाए उसमें क्या होता है? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही सही हैं. द मेजॉरिटी इज या द मेजॉरिटी आर अगेंस्ट द SSC CGL कैंसिलेशन एग्जाम के कैंसिलेशन के लिए. तो देखो मेजॉरिटी इज भी सही है और मेजॉरिटी आर भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं होता, ये ध्यान रखे, ठीक है. जब द मेजॉरिटी लेते हैं तो ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह ले रहे हैं, उसको एक समूह बना रहे हैं, इसलिए इज ले लेते हैं. और मेजॉरिटी आर मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो उस हिसाब से इसको प्लूरल भी ले लेते हैं, दोनों ही सही हैं. अब अगले केस पर आते हैं, प्रेजेंट अनफुलफिल्ड डिज़ायर. कोई ऐसी वर्तमान की इच्छा जो आपकी पूरी ना हुई हो, उस केस में क्या होता है? उस केस में सेंटेंस आपका इन शब्दों से शुरू होता है, इफ़ इफ मैंने काश, एज इफ, काश ये होता है, एज दो, सपोज, मैं चाहता हूँ, आई विश, इन केस, वुड दैट, ऐसा हो जाए, मतलब आप ऐसे से, काश में ये होता, काश मेरा पेपर क्लियर हो जाए, काश बिना पढ़े मुझे मुझे इंग्लिश आ जाए, बिना वीडियो देखे काश मैं एकदम 50 में से 50 लाऊं, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती. तो ये आपकी वर्तमान की ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो सकती जब तक आप उनके लिए मेहनत ना करें. तो मेहनत करें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें. तो अब अगर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो इसके साथ क्या होता है? वर यूज़ करते हैं हम, वर वर याद रखिए, वर को यूज़ करते हैं. अलग से मार्क कर रही हूँ. जैसे अगर मैं ये चाहती कि मैं एक चिड़िया होती तो मैं क्या लिखती? आई विश आई वॉज अ बर्ड नहीं लिखती, आई वर अ बर्ड. देखो वर मतलब काश मैं चाहती, आई विश, ये आई विश यहाँ वर्ड ये लगा, यहाँ से आया ये, और उसके साथ वर लगा, आई वर अ बर्ड, आई वॉज नहीं होता. ऐसी अगर वो सोचता कि मैं अमीर होता तो मैं लोगों की मदद कर पाता, तो यहाँ पर देखो इफ़ वर्ड यूज़ करा है. इफ़ ही वॉज रिच नहीं होगा, इफ़ ही वर रिच होगा, वॉज अगर होता तो मिस्टेक होता, वॉज नहीं, इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर, वो दूसरों की मदद करता. तो कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमारी वर्तमान की हैं, देखो अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बिना पूरी हुई इच्छाएं, तो वर यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स. अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 21. रूल नंबर 21 क्या कहता है? अगर एडजेक्टिव के आगे द लग जाए तो क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा. देखो ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि रिच के आगे
आपको फर्स्ट क्लास में ही बताता कि रिच के आगे अगर द लग जाए तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल। जैसे पुअर के आगे, देखो द के आगे रिच, पुअर के आगे डिसऑनेस्ट के आगे, तो इनके आगे अगर एडजेक्टिव के आगे द लग जाए तो वो बन जाते हैं प्लूरल। अब एसएससी ने भी क्या काम किया, उन्होंने लगा दिया ग्रीक्स के आगे द, या फिर द अमेरिकन्स, तो क्या वो प्लूरल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये प्लूरल नहीं होता। तो याद रखें, ग्रीक्स, द अमेरिकन्स प्लूरल नहीं है, एडजेक्टिव के आगे जब लगाएंगे तो वो प्लूरल है, रिच, पुअर, डिसऑनेस्ट, इस तरह के शब्द। तो अब देखो, द डिसऑनेस्ट इज टू बी हैंग्ड, अब इज होगा क्या, ये तो प्लूरल बन गया द डिसऑनेस्ट, तो ये इज की जगह आर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर द रिच आर टू बी हैंग्ड होता तो द रिच आर होता, इज नहीं होता, क्योंकि वो एक प्लूरल बन चुका है। ठीक है ना? तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल भी क्लियर हो गया है आई गेस। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 21, नाउन के बाद अगर कोई प्रिपोजिशन आए और फिर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगता है, जैसे कैसे। और ये नाउन भी याद रखना, ये जो नाउन्स है ना, ये भी आपके दोनों सिंगुलर होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सिटी आफ्टर सिटी वॉज स्वेप्ट अवे इन सुनामी, सिटी आफ्टर सिटी स्वेप्ट अवे माने क्या होता है, बह गई। ठीक है ना? तो सुनामी में सिटी एक के बाद एक शहर बहता गया, तो यहाँ पर आफ्टर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, बिल्कुल, और सिटी क्या है, नाउन है, और फिर यहाँ पर भी नाउन है, तो सेम नाउन, और ये सिंगुलर भी है, सिटीज नहीं है, सिटी है। तो ध्यान दीजिए तीन बातें, एक तो सेम नाउन हो, दूसरा क्या हो कि वो सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो, और तीसरा उनके बीच में प्रीपोजिशन आई हो। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो क्या होगा, हमारा जो उसके साथ वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर, इसलिए यहाँ वॉज सही है। अब अगला देखते हैं, टाउन्स आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेटेड, टाउन्स आफ्टर टाउन, देखो नाउन तो सेम है लेकिन यहाँ पर प्लूरल बना दिया, यहाँ से एस हटाओ पहले, तो टाउन आफ्टर टाउन। अब यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, सिंगुलर आनी चाहिए, बिल्कुल, यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज, तो टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेटेड, टाउन के बाद टाउन, डिवेस्टेट माने तहस नहस होता गया, डिवेस्टेट माने एकदम पूरी तरह सब कुछ खराब हो गया, तहस नहस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव ऐसे होते हैं जिनमें लग जाए ये वाला चिन्ह, खुशी वाला, या फिर किसी की दुआ में या किसी की तारीफ में जो ये शब्द एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, उन्हें बोलते हैं ऑप्टेटिव। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, प्लूरल हमेशा। देखो जैसे कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, किंग खूब सालों साल जिए, ऐसे कहते ना किंग को, देखे लॉन्ग लिव द किंग, तो किंग वैसे तो आपका सिंगुलर है, एक किंग है, किंग एक ही होता है, तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ लिव्स क्यों नहीं लगा सकता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऐसा चिन्ह लग जाएगा इसके एंड में, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, मैच वर्ब अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। देखो यार, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस पे काफ़ी सवाल आते हैं, इसको ध्यान दें कि हमेशा वर्ब को ना मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है, यही सब्जेक्ट वर्ब का है, नॉट नियरेस्ट सब्जेक्ट। लेकिन कई बार हम लोग उस मेन सब्जेक्ट को फाइंड करने में ही गलती कर देते हैं, कैसे, जैसे देखो, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स आर गुड, अब आपने को लगा फ्रूट्स मेरा सब्जेक्ट है, फल मेरा सब्जेक्ट है, नहीं, क्या कह रहा है, फ्रूट की क्वालिटी यानी कि उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो दशा है वो अच्छी है, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट बना, हिंदी में इसको हिंदी में बोल के देखा करो, क्या अच्छा है, फ्रूट की, फलों की क्वालिटी अच्छी है, फ्रूट अच्छा नहीं, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी, मैंने ये नहीं कहा द फ्रूट्स आर गुड, अगर मैं कहती द फ्रूट्स आर गुड तो एकदम सही था, फ्रूट्स मेरा सब्जेक्ट था, पर यहाँ मैंने उनकी क्वालिटी के बारे में बात करी है, तो क्वालिटी क्या है आपका, एक तरह का ऐसी चीज़ है जिसे आप एक्सप्रेस नहीं करते, कर सकते, अनकाउंटेबल चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आर की जगह इज़ होगा, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इज़ गुड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर समझ नहीं आता तो हिंदी में उस सेंटेंस को सोचें कि वो क्या दर्शा रहा है। अगला क्या है, द न्यूअर टाइप ऑफ स्मार्टफोन्स प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं नए तरह के, वो डेटा को बहुत बहुत ही तेज़ी से फास्ट फास्ट चलाते हैं, फ़ोन बहुत तेज़ चलता है, चलते हैं आजकल के नए फ़ोन, बहुत अच्छे अच्छे उनके प्रोसेसर्स हैं, तो क्या कहना चाहता है, द न्यूअर टाइप, कैसे स्मार्टफोन न्यूअर टाइप के, तो न्यूअर टाइप हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, नए तरह के, और ये न्यूअर टाइप है, टाइप्स नहीं है, ये एक सिंगुलर चीज़ है, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रोसेसेस होगा, इसको भी हम सिंगुलर बनाएंगे, इस वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे, तो ये प्रोसेसेस यहाँ से ठीक हो जाएगा,
सेंटेंस करेक्ट हो गया हमारा यहाँ से. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल पे आते हैं. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है. वैसे ये प्रोनाउन में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट कुछ एरर्स आती हैं जो मैं सब्जेक्ट वर्ब में ही कवर करना चाहती हूँ, जो आपको मिसलेनियस शीट दूंगी. तो मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता रही हूँ. ये रूल प्रोनाउन में अच्छे से क्लियर होगा, डिस्क्रिप्टिव में पूरा अच्छे से. तो रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं, हु विच दैट एज बट. देखो कैसे, जो किसी चीज़ को बताएं, हु मैं वो हूँ, कौन हूँ, वो टीचर कौन हूँ, वो काम क्या विच, इस तरह से जो चीज़ों को दर्शाए उन्हें बोलते हैं रिलेटिव. तो अब उनमें क्या होता है, देखो इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, ये मैं हूँ जिसे ब्लेम की ज़रूरत है, ये कहना चाहता है ये. अब देखो हु क्या है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है. तो ये रूल कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, देखो ठीक जस्ट पहले जो आए वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगती है जो हु के जस्ट पहले आए. तो अब देखो इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम, आई के साथ क्या है, आई सिंगुलर चीज़ है, तो इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी. तो यहाँ इज़ है, देखो ये सिंगुलर तो है लेकिन क्या आई के साथ इज़ लगता है, आई इज़ अ बॉय होता है या आई एम अ बॉय होता है, आई एम होता है तो ये इस की जगह क्या हो जाएगा, एम. लेकिन ये सिंगुलर था ये सही था, बट आई के साथ सही नहीं है. अगर ही होता ना, ही होता है अगर आई की जगह इट इज़ ही हु इज़ टू बी ब्लेम तो सही हो जाता. अगला देखते हैं, और रूल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं. आई हु इज़ अ टीचर टीच हेयर. देखो अब आई, अब यहाँ फिर से आई है और हु लगा है, तो आई के साथ फिर यहाँ इसकी जगह क्या होगा, एम होगा. आई हु एम अ टीचर टीच हेयर, तब ये सही हो जाएगा. और देखते हैं, द बॉयज़ हु हैज़ डन वेल विल बी अवॉर्डेड. तो ऐसे बॉयज़, अब यहाँ पर हु के आगे क्या लगा है, बॉयज़, ये क्या है, प्लूरल है, तो क्या यहाँ उसके जस्ट बाद हैज़ लगेगा, प्लूरल के लिए अकॉर्डिंग तो यहाँ हैव लगेगा ना. तो द बॉयज़ हु हैव डन वेल विल बी अवॉर्डेड, जिन्होंने अच्छा किया उन्हें अवॉर्ड मिलेगा. तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला रूल आपको रिलेटिव प्रोनाउन का क्लियर हो गया ना, कि जो हु विच दैट इनके जस्ट पहले जो आए उसके अकॉर्डिंग ही क्या लगेगी, आपकी वर्ब लगेगी उनके बाद, उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद. ठीक है, तो और मैं आपको बता देती हूँ, चलो ये वाला केस भी आपको बताती हूँ. वन ऑफ क्या होता है, वन ऑफ का केस देखो, वन ऑफ क्या होता है. अब देखो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. ये अब वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज और विच लग गया, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले क्या लगा है, बेस्ट पायरेट स्टोरीज. बेस्ट पायरेट स्टोरीज है मतलब बहुत सारी कहानियां हैं, तो कहानियां हैं तो इसके बाद का जो वर्ब लगेगा आपका वो क्या है, आर प्लूरल, एकदम सही है. वन ऑफ द बेस्ट पायरेट, देखो वन ऑफ से कंफ्यूज मत होना कि वन लगा दिया तो क्या यहाँ सिंगुलर लग जाएगा, नहीं, वन ऑफ के साथ कोई पंगा नहीं. लेकिन अगर ओनली लगा देते ना वन के आगे, ओनली वन ऑफ, तो हो जाता काम हमारा अलग. देखो जैसे कैसे, आगे मैं बताती हूँ, ओनली वन ऑफ का केस भी बता रही हूँ. अगर इसके आगे ओनली लग जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी. जैसे कैसे, दिस इज ओनली वन, ये ऑफ है, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज वर्क्स दैट आर गुड. तो ओनली वन ऑफ, अब यहाँ ओनली लग गया और फिर यहाँ पर ये क्या आया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है. तो ओनली वन ऑफ हिज वर्क्स लगने से भले ही वर्क्स आपको लग रहा है कि एस लगा है, प्लूरल है, पर ये ओनली की वजह से यहाँ आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ओनली ने इसको सुपर पास कर दिया, इसको पास ओवर कर दिया, इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर उसने अपना अपना रूल लगा दिया, तो ओनली की वजह से यहाँ सिंगुलर लग गया. और देखो एग्जाम्पल, वन ऑफ द इशूज विच वॉज डिस्कस्ड. अब देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और इश्यूज उससे पहले, और यहाँ वन ऑफ है, यहाँ ओनली नहीं लगा, तो इश्यूज है इसलिए मैं वॉज की जगह वर कर दूंगी. बट अगर मैं ये कहती ओनली वन ऑफ द इश्यूज तो यहाँ वॉज सही होता. तो वन ऑफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन ओनली लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है. अदरवाइज रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा जो उसके पहले आता है जस्ट उसके बाद ही उसका उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का ये वाला रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी सवाल आते हैं, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा. मैं आपको फिर से इसके ऊपर असाइनमेंट दूंगी, एक क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ, जुड़े रहें. आपको कैसा लग रहा है सेशन आप बताएं. हमने अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 70% कवर कर चुके हैं अब, तो अब ये चैप्टर अब ख़त्म होने वाला ही है.
आने वाली एक दो वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये कैसा लग रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, खुद भी अलग अलग बुक से क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि अब आपको रूल सारे आ गए हैं। इनको नोट डाउन करें और PDF को करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हिट द लाइक बटन, मेहनत बहुत लग रही है और आपको मेहनत दिख भी रही होगी, मुझे पक्का लगता है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, सबका ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।